दूतावास की वेबसाइट पर एक तस्वीर है जिसमें ओलंपिक में चीनियों की मेजबानी से किए जा रहे गांधी वाड्रा परिवार की एक पूरी तस्वीर है जिसमें पूरा मैच खाने की चीजों से एक कोई अंतरराष्ट्रीय संवाद या गोष्ठी नहीं थी। मान्यवर, अभी अभी एक न्यूज लिंक का खुलासा हुआ है, न्यूज क्लिक का खुलासा हुआ है। अब न्यूज क्लिक ये सारे लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि हमें गाली बोलते हैं, मोदी जी को सवाल पूछते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, कुछ इनपुट्स भी देते हैं, कुछ वहां से ली हुई चीजों को फॉरवर्ड भी करते हैं, सबके सब है, पूरा यूपीए का गठबंधन है। मान्यवर, परंतु ये न्यूज क्लिक किसके पैसों से चलता है? चीनी एजेंसी के पैसों से। और मान्यवर, ये हमें सवाल पूछे। मान्यवर, अभी भाई एक मिनट, अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे, क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से बताना। इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं, कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे, इन्होंने भी नाम बदल दिया। मान्यवर, मान्यवर, बोफोर्स, एक मिनट भाई, बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? एलआईसी हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर फ्रॉन्ट सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? अब साहब, इनके पास नाम बदलने के अलावे कोई रास्ता नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूं, हमें कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं है कि 9 साल में और अटल जी के 6 साल में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सर झुकाना चाह पड़े, सीना तान कर मैदान में जाए। मान्यवर, एनडीए ने स्थिरता दी, 10 साल तक स्थिरता दी है, 30 साल से कांग्रेस ने 30 साल तक कोई सरकारों को चलने नहीं दिया। चंद्रशेखर जी को सबसे पहले, चरण सिंह जी को समर्थन दिया सरकार, फिर चंद्रशेखर को समर्थन दिया सरकार, देवगौड़ा को समर्थन दिया सरकार। इनकी फितरत मान्यवर अस्थिर था। मोदी जी ने, एनडीए ने, भाजपा ने देश को स्थिर शासन दिया है, इसलिए देश का। मान्यवर, मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में देश के बच्चे बच्चे में मान्यवर देशभक्ति का संस्कार सिंचित करने का काम। मान्यवर, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने देश के एक एक जन के मन में देश के प्रति सम्मान और सुनहरे भविष्य की आशा को निर्मित करने का काम। मान्यवर, शताब्दी के लक्ष्य तय किए हैं मोदी जी ने, शताब्दी के लक्ष्य तय किए हैं, और आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होते ही
15 अगस्त को अमृत काल सभा शुरू हो।